प्रदेश में 69,000 पदों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा के जिले के 40 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। रविवार को ही परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए न सिर्फ जिला प्रशासन की टीम ने कमर कसी थी, बल्कि एसटीएफ की पैनी नजर भी इस परीक्षा पर बनी रही। एसटीएफ की माने तो संदेह के घेरे में आए कई लोगों के मोबाइल सर्विलांस पर लगे रहे। इसके अलावा सभी लोकल इंटेलिजेंस की टीम को भी सक्रिय कर दिया गया था। 11 बजे से शुरू हुई परीक्षा भर्ती में 21,635 कैंडिडेट शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा, कुछ नहीं है, अमिता जायसवाल सर, प्रश्न तो आसान थे, अच्छे आए थे सारे क्वेश्चन, सब ठीक था, पेपर अच्छा था। मेरा आरती गुप्ता, ठीक था, पेपर्स खराब थोड़ी होता है, अपने पढ़ाई पर डिपेंड करता है ना, सोच के तो सब करता है आदमी, किसी का कोई टॉपिक वीक होता है, किसी का कोई स्ट्रांग होता है। आपका क्या वीक रहा? मेरा जीएस वीक है, मैथ्स इंग्लिश और बाकी सब अच्छा गया है। प्रदीप कुमार सिंह, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हूँ। पेपर बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें एक पेपर ऐसा है जिसमें डिस्प्यूट हो सकता है, इसमें जैसे प्रति व्यक्ति आय को लेकर के था, इसमें दो ऑप्शन सेम दे रखा है, तो इसमें हो सकता है कुछ असमंजस पड़े, इसमें बात विवाद हो, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मेरी ठाई जाएगी, पेपर बहुत अच्छा हुआ है।